देखिए, भारतीय जनता पार्टी मुंबई और भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से आज कोंकण में हम लोग 9 ट्रक सामग्री भेज रहे हैं, जिसमें चाहे चटाई हो, चाहे कंबल हो, चाहे अलग अलग प्रकार से उनकी जीवन आवश्यक वस्तुएं हो, सैनिटरी पैड तक सारी चीज़ें हम लोग जो वहां पर अभी इस समय आवश्यक होगी और लोगों को नहीं मिल पाएगी, ऐसी सारी चीज़ें भेजने का हम लोगों का प्रयास है। और ऐसी सामग्री हम रोज़ भेजने वाले हैं, वहाँ से हम लोग फीडबैक लेते हैं। मैं स्वयं भी जाकर आया हूँ, किस चीज़ की आवश्यकता है और वो चीज़ें वहाँ जाए, इस प्रकार का हमारा प्रयास है। इसमें बाकी संगठनाएं भी प्रयास करती है, हमारा भी एक प्रयास है कि भारतीय जनता पार्टी इसमें मदद करे। मुझे ऐसा लगता है कि शरद पवार जी ने जो बात कही है उस बात को हमने पॉजिटिव सेंस में लेना चाहिए और हमने इसमें से इतनी सीख लेनी चाहिए कि जो दौरे होते हैं उन दौरों से रिलीफ ऑपरेशन जो होता है या रेस्क्यू ऑपरेशन जो होता है उसको छोड़कर अधिकारी आपके साथ ना आए या वो जो ऑपरेशन है वो हैम्पर ना हो, इस प्रकार का उसमें प्रयास करना चाहिए। जो बात बिल्कुल सही है, जहाँ तक विरोधी पक्ष नेता के रूप में हमारे दौरों का सवाल है तो मुझे लगता है कि हम लोगों के जाने के बाद एक प्रकार से प्रशासन जागरूक भी होता है, उसको चुस्ती भी दिखानी पड़ती है और लोगों का जो आक्रोश होता है वो आक्रोश हम तक पहुँचता है जो हम सरकार तक पहुँचाते हैं। मुझे लगता है कि इस दृष्टि से ये दौरे करते समय ये बैलेंस हम लोगों को स्ट्राइक करना चाहिए, ऐसी जो बात मेरे हिसाब से पवार साहब ने कही वो ठीक है। देखिए, ये तो बिल्कुल सही बात है क्योंकि पूरा प्रशासन बैठा हुआ था, ये कह रहा था कि वहाँ कोई पहुँच ही नहीं सकता है, हम कैसे जाएंगे। 18 घंटे तक वहाँ कोई पहुँच नहीं पाया और विपक्षी नेता पहुँच गए और विपक्षी नेता ने वहाँ जाकर वहाँ से प्रशासन के साथ संवाद किया। तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी सारी सिचुएशन में हर एक का अपना एक रोल है और जिसके कारण हमारे लोकतंत्र में ये सारी व्यवस्थाएं चलती है, तो उन व्यवस्थाओं को चलाने का काम उस समय हमारे विपक्ष के जो नेता है प्रवीण दरेकर जी, उन्होंने किया है। ये तो राज्यपाल जी का काम भी है और उनका मैंडेट भी है, क्योंकि जो हमारी राज्य घटना है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उस कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी राज्य के प्रमुख ये राज्यपाल होते हैं, उनके नाम से राज चलता है और उनको सलाह देने के लिए चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स तैयार किया जाता है। तो हमारे जो रियल हेड है वो तो राज्यपाल जी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से है। कल मैं जो हमारा कारगिल विजय दिवस का कार्यक्रम था उसके लिए राज्यपाल जी के यहाँ एक बड़ा कार्यक्रम हुआ था, उसमें गया था, तब राज्यपाल जी से मेरी चर्चा हुई, तब राज्यपाल जी ने मुझे कहा कि राष्ट्रपति जी ने उनको कहा है कि वो एक विजिट करें, इसलिए वो विजिट करने वाले हैं। और उन्होंने ये भी कहा था कि मैंने सारी पार्टियों के एक एक सदस्य को मेरे साथ निमंत्रित किया ताकि ये दौरा कोई राजनीतिक दौरा नहीं हो, लोगों से हम कनेक्ट कर पाए। तो मुझे लगता है उस पर विवाद करना ये मतलब गलत बात। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी का जन्मदिन है, मैंने उनको शुभकामनाएं दी है, ईश्वर ने उनको एक अवसर प्रदान किया है और मुझे ऐसा लगता है कि उस अवसर का उपयोग करते हुए महाराष्ट्र की वो अच्छे से अच्छी सेवा करे और यही ईश्वर के पास उनके लिए मैं आशीर्वाद भी मांगता हूँ। जहाँ तक संजय राउत जी का सवाल है, उन्होंने जो बात कही है, तो देखिए आज शिवसेना महाराष्ट्र की पार्टी, अगर राष्ट्रीय पार्टी बनेगी तो उसके नेता राष्ट्रीय नेता बनेंगे। हाँ, ये बात ज़रूर है कि संजय राउत जी ये कहना भूल गए कि वो राष्ट्रीय नेता बने और उनकी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बने लेकिन राष्ट्रवादी से छोटी पार्टी बने, ये मन के मन में संजय राउत जी ने बोला होगा। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।